देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और ये पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि कोई भी यह आकलन नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें अपनी ईमानदारी, काबिलियत और देश प्रेम के कारण आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मगर जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें उनके नाना के यहाँ लेती गयी। मिर्जापुर से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी जाति अपने नाम में नहीं लिखी। बनारस के काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। उन्होंने 1928 में ललिता देवी जी से शादी की और दहेज लेने से भी साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। शास्त्री जी के परिवार का आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, मगर उनके एक टीचर थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो बड़े देशभक्त थे। उन्होंने आर्थिक रूप से शास्त्री जी की बहुत मदद भी की थी। शास्त्री जी उनकी देशभक्ति की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और फिर 1915 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1921 में अपने हाई स्कूल एग्जाम के कुछ महीने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने भी हजारों बच्चों की तरह अपना स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर नाबालिग होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 1930 में शास्त्री जी कांग्रेस की एक इकाई के सेक्रेटरी बनाए गए और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी अहम भूमिका निभाई। वो घर घर जाते थे और उनसे लगान और टैक्स ना देने के लिए कहते थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान वो कई समाज सुधारक और पश्चिमी फिलोसफर्स के बारे में भी पढ़े। आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने उन्हें भारत सरकार का रेल मंत्री बना दिया। मगर 1956 में तमिलनाडु में एक रेल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए। इस हादसे का उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्हें लगा कि ये उन्हीं की गलती है और वो इस पद को संभालने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 में वो वापस से यातायात और संचार मंत्री बनाए गए और फिर उन्हें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी व्यापार और उद्योग मंत्री बना दिया गया। 1961 में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को नया प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि उस समय और भी कई बड़े कांग्रेसी नेता थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो बहुत साधारण स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं किया। अपने परिवार के बहुत दबाव देने पर उन्होंने एक कार खरीदी थी। 12,000 रुपए की कार के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने 7,000 रुपए जमा किए और बाकी पैसों के लिए बैंक से लोन लिया। शास्त्री जी ने खाने की कमी, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। भारत में भोजन की कमी दूर करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति और दूध से बनने वाले सामान की कमी पूरी करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति शास्त्री जी के समय में ही आई थी। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया, तब उन्होंने सेना को जवाब देने के लिए आज़ाद कर दिया था और ये साफ साफ कह दिया था कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा। इसी समय उन्होंने देश के किसानों और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। युद्ध के समय की ही बात है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत युद्ध बंद कर दे, वरना PL-480 समझौते के तहत भारत को मिलने वाला गेहूं अमेरिका देना बंद कर देगा। उसी समय शास्त्री जी ने अपने घर में शाम का खाना बनाने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा परिवार एक वक्त भोजन किए बिना रह सकता है या नहीं। अगर रह सकता है तो मैं कल ही देशवासियों से एक वक्त का खाना छोड़ने का आग्रह करूंगा। हम भूखे रह लेंगे, मगर अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी और उन्हें पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। तीसरी बार में कार्डियक अरेस्ट के कारण 1 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु पर आज भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद उनकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश से हुई थी, मगर अभी तक इसका कोई भी सबूत खुले रूप से हमारे सामने नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शास्त्री जी पहले भारतीय हैं।
ये शास्त्री जी जैसे महान देशभक्तों, काबिल और ईमानदार नेताओं की ही देन है कि न सिर्फ हमें आज़ादी मिली बल्कि आज़ादी के कुछ दशक के बाद ही हमारा देश आज दुनिया के सामने एक पहचान बना रहा है। मगर गुजरते समय के साथ ऐसे महान लोगों की यादों पर एक धूल सी पड़ती जा रही है। हमें चाहिए कि हम हमेशा इनका सम्मान करें और इनके सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो ऐसी ही और बायोग्राफीज और सक्सेस